সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার গ্রামবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন রকম সামগ্রী প্রদান করলেন বিএসএফ এর 159 নম্বর ব্যাটালিয়ন। বৃহস্পতিবার মালদহের হবিবপুর থানার অন্তর্গত 159 নম্বর ব্যাটালিয়নের কেদারিপাড়ার ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত হলো সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম। বিএসএফ এর উদ্যোগে এই সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে বর্ডার এলাকার সাধারণ মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে এদিন তালা এলাকার বিভিন্ন স্কুল ও ক্লাব সহ এলাকাবাসীর মধ্যে বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। যেমন স্কুলের বাচ্চাদের জন্য প্রায় 100টি ব্যাগ, ক্লাবগুলিকে ফুটবল, ভলিবল, ক্যারম বোর্ড, স্কুলগুলির জন্য জলের ট্যাঙ্কি, ডাস্টবিন, গ্রামবাসীদের জন্য ব্ল্যাঙ্কেট ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। এছাড়াও হ্যান্ডিক্যাপদের জন্য হুইলচেয়ার দেওয়া হয়। এই বিষয়ে কমান্ডার সুদীপ কুমার বলেন, বিএসএফ এর আজ ইহা সীমা চৌকি কেদারিপাড়া মে 159 বাহিনী বিএসএফ কে তত্ত্বাবধান মে এক সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম কা আয়োজন কিয়া গিয়া। आज इसमें विभिन्न सामग्री हमने जो सीमावर्ती जो गांव के लोग हैं उनको वितरित की, जिसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, व्हीलचेयर, कंबल। इस कार्यक्रम का जो हमारा उद्देश्य है वो है जो सीमावर्ती जो गांव के लोग हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करना एवं उनकी मदद करना एवं उनको ये बताना कि बीएसएफ हमेशा उनके साथ हर कदम पे खड़ी हुई है। और एक और इस प्रोग्राम का एक और उद्देश्य है कि जो ये कुछ इस तरह के जो तत्व होते हैं जो गांव वालों को जो कि दूसरे राह की तरफ ले जाने की चेष्टा करते हैं उनको इस बारे में भी आगाह करना कि वो उनको उनका साथ कतई ना दें और जो राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होकर हमेशा एक एक अच्छे भारत का निर्माण कराने में हमारा सहयोग करें। अब बॉर्डर लोगों के लिए पहले ही जो भारतीय सरकार की तरफ से कई परियोजनाएं हैं उनके लिए हमारा सर्व संदेश है कि वो हर कदम पे बीएसएफ का साथ दें और जो अवांछनीय तत्व हैं उनके बहकावे में मत आएं और इन लोगों का हमेशा ही एक विशेष तरह का योगदान भारत के निर्माण में है क्योंकि सीमावर्ती जिले के रहने वाले हैं और इनका और जो बीएसएफ को कदम कदम पर इन लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो हमारा उनसे यही आह्वान है कि वो हमेशा ही बीएसएफ का हर कदम पे सहयोग